नमस्कार दोस्तों, दोस्तों मैं शिव कुमार। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप ट्रेन टिकट बुक किए हो अगर और आपकी ट्रेन कैंसिल हो गई हो तो उसमें रिफंड कैसे मिलते हैं और कितना मिलता है, कुछ चार्ज भी करते हैं, मैं इसकी जानकारी पूरा इस वीडियो में दूंगा। ओपन कर लेते हैं IRCTC रेल कनेक्ट ऐप। मैंने एक टिकट बुक किया हुआ था तो आपको टिकट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं, अपना आईडी पासवर्ड। देखिए लॉगिन हो गया, वेरीफाई यूजर। उसके बाद देखिए यहाँ पे माय ट्रांजैक्शन है, नीचे दिख रहा है थ्री लाइन पर यहाँ पे, तो मैंने क्लिक किया। उसके बाद माय बुकिंग पे आ जाएंगे, देखिए माय बुकिंग पे क्लिक कर दिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये सारा टाटा एक्सप्रेस, मैंने टाटा में जो लुधियाना से सहागंज के लिए टिकट किया हुआ था, ये ट्रेन कैंसिल हो गई। 16 दिसंबर को था, ये ट्रेन कैंसिल चल रही है, पूरा महीना चलेगा, हो सकता है जनवरी में भी पूरा जाए। दोस्तों अगर आप ट्रेन टिकट बुक किए हुए हैं, जैसे आपका देखिए मेरा यहाँ पे 948 रुपये दिख रहा है, जो कि 930 यहाँ प्लस 17 रुपये 70 पैसे जोड़कर 948 रुपये हो जाते हैं, फिर भी इसमें एक्स्ट्रा चार्ज काट लिया जाता है जो कि हमें यहाँ दिखाया नहीं जाता है। आपके बैंक अकाउंट से जो भी चार्ज कटेंगे वहाँ पे दिखाया जाएगा कितना आपका चार्ज कटा है। यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मतलब 17 रुपये या 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज काट लिया जाता है, वो एक्स्ट्रा चार्ज हमें वापस नहीं मिलता है और ना ही GST चार्ज आपका मिलेगा वापस। जितना टिकट किराया होगा वही टिकट हमें उतना ही मिलेगा। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक ट्रेन का देख ले रहे हैं टिकट किराया कितना चाहिए, जैसे 420 है यहाँ पे देख लिए। उसके बाद ये ट्रेन कैंसिल हो गया था, हमें 420 ही रुपए आएंगे, जो एक्स्ट्रा चार्ज कटा रहेगा हमारा GST चार्ज हो या कोई भी चार्ज हो किसी चार्ज हो, हमें सिर्फ इतना ही मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा अगर ट्रेन कैंसिल होता है तो। अगर हम ट्रेन ना कैंसिल हुआ, अगर हम खुद ट्रेन कैंसिल टिकट कैंसिल करते हैं तो हमारा कुछ उसमें चार्ज भी लग जाते हैं, स्लीपर का 120 रुपये हमारा चार्ज हो जाता है। रह गई बात पेमेंट आने की, पेमेंट आपका उसी में आएगा जहाँ से आप पेमेंट किए होंगे, जैसे पेटीएम वॉलेट से किए हैं तो पेटीएम वॉलेट में आपका पैसे आ जाएगा, फ़ोनपे से किए होंगे, UPI किए होंगे, आपका बैंक में पैसे आ जाएगा। अगर वॉलेट से किए हैं तो आपका वॉलेट में ही पैसे आएगा, आपको फिर वॉलेट से अपने बैंक में करना पड़ेगा। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही।